सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हमेशा फॉलो करिए, और एक बार जब आप किसी बुक्स को फॉलो करें और उसे बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें, तब आप जो है वो घटना चक्र और प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाइए। वहाँ से आप अपने आप को मतलब ये जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, और कुछ अच्छे सवाल भी मिल जाते हैं। और जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं आजकल, वैसे इस बार तो लगभग ना कहीं बराबर रिपीटेड क्वेश्चन थे, लेकिन जो भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं यदि वो आ जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि यदि आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाए हैं तो वो आपको वहाँ भी एक बेनिफिट मिलता है। तो ये प्री का सिलेबस है जीएस का। अब हम बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। तो मैं आपको बता दूं कि मेंस का भी यही सिलेबस मेंस में है, जीएस में। तो मेंस के लिए कोई अलग से सिलेबस जीएस का नहीं बनाया गया है, इसी सिलेबस को वहाँ रखा गया है। ओके, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ कि क्या लिखा है उसमें मेंस के सिलेबस के लिए। तो देखिए, इसमें लिखा है द मेन और रिटन एग्जामिनेशन देर विल बी द टू कंपलसरी पेपर्स लाइक जनरल स्टडी एंड जनरल हिंदी एंड एसे ऑफ 3-3 आवर, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे के होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, टोटल 400 नंबर का होगा। ओके, तो द क्वेश्चन पेपर एंड द डिवीजन ऑफ द मार्क्स फॉर द कंपोजिशन ऑफ द जनरल स्टडी पेपर इज एज फॉलो। ये मैंने आपको तरीका आपको बता ही दिया। तो जो सिलेबस प्री का है जनरल स्टडी का, वही सिलेबस जो है वो यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए मेंस का सिलेबस ये रहा। तो इसी को आप जो है तैयार कर लीजिए दोस्तों। अब हम मैं बात करता हूँ हिंदी की, है ना। अब देखिए, जो सेकंड पेपर होगा उसमें अपठित गद्यांश आएगा और उसका संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसका उपयुक्त शीर्षक। तो जैसा कि पीसीएस के अपर पेपर में आता है संक्षेपण प्लस व्याख्या, तो वो सब इसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र संबंधी पत्र लेखन और आलेखन। तो दोस्तों, इन सब से संबंधित आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, सारे वीडियो हैं अर्धशासकीय, शासकीय, और काफ़ी अच्छे वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि जब आप उन्हें देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स जो हैं वो शासकीय, अर्धशासकीय और कार्यालय आदेश, ज्ञाप, अधिसूचना के संबंध में, वो सब आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। तो देखिए, ये एक बड़ा नई चीज़ है, क्योंकि अपर पीसीएस में ये अनुवाद नहीं है, यहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप एक अच्छी कंडीशन में हैं, क्योंकि एक एक सवाल की मारा मारी है दोस्तों। उसके बाद अनेकार्थी शब्द, यानी कि अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यावाची, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएँ, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो इसका जो पेपर पैटर्न होगा, चूँकि लगभग अपर की तरह होगा, बस केवल कुछ अंतर जो है वो केवल इसमें आ गया है, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का। तो आप अपर पी सी एस के जो हिंदी के पेपर हैं उन्हें लगा दीजिए, उन्हें पूरा मतलब कोशिश करिए सॉल्व करने की। तो जितना अच्छे से अच्छा आप उसमें लिख पाएंगे उतना ही अच्छी आपकी जो है आप यहाँ कर पाएंगे। उसके बाद हिंदी का निबंध, हिंदी निबंध है, आप किसी और भाषा में निबंध नहीं लिख सकते, आपको निबंध हिंदी भाषा में लिखना होगा। दो खंड होंगे और प्रत्येक जो उपखंड में, मतलब इसके अंदर दो उपखंड होंगे, प्रत्येक उपखंड से एक एक निबंध आपको चुनना है, यानी कि कुल दो आपको ऐसे लिखने हैं। उसके बाद शब्द सीमा 700 शब्द की है, और इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, खंड ए में साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजना एवं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामयिक, सामाजिक समस्याएं एवं निदान। यानी कि एक ऐसे आपका साहित्य से आएगा, एक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ आएगा, और एक विकास योजनाओं से संबंधित आएगा। तो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए।
या साहित्य, और साहित्य के आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आप एक निबंध अच्छा उठा सकते हैं, और यदि आपका करंट अफेयर अच्छा है तो आप करंट अफेयर से क्वेश्चन उठा ऐसे उठा सकते हैं। उसके बाद एक जो बी पार्ट है उसमें विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण और कृषि, उद्योग एवं व्यापार। तो प्राकृतिक आपदाओं से मैं हमेशा कहता हूँ कि एक क्वेश्चन नेचुरल डिजास्टर से आता ही आता है, तो नेचुरल डिजास्टर पर मेंस में भी ऐसे आता है और हमेशा एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और हम दिनों दिन इससे जूझ ही रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि इस पर एक बहुत अच्छा निबंध आप तैयार कर लीजिए और लिखकर इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके डाटा को, इसकी भाषा शैली, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा वो इस पेपर के आधार पर होगा, हिंदी और जनरल स्टडीज़ के पेपर के आधार पर। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इसका सिलेबस क्या है और कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। बार बार एक चीज़ पूछी जा रही है कि क्या बीटीसी और डीएलएड वाले एस्पायरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मैं इस चीज़ को एकदम क्लियरिफाई कर दूं कि केवल और केवल बीएड जिन एस्पायरेंट्स ने किया हुआ है ग्रेजुएशन के साथ, या एलटी डिप्लोमा जो कि अब बंद हो गया है, पहले हुआ करता था गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा, या वो है। तो यदि आपके पास एलटी डिप्लोमा है या बीएड है, तो चूंकि आजकल बीएड ही एक पॉपुलर डिग्री है, तो जिनके पास बीएड है केवल वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बीटीसी या डीएलएड वाले एस्पायरेंट जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो जिनके पास भी बीएड है वो बिल्कुल कमर कस लें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की। अब दोस्तों कुछ जनरल सलाह मैं आपको देना चाहूँगा इस एग्ज़ाम के बारे में, चूँकि अभी तक एग्ज़ाम की डेट क्लियर नहीं है, लेकिन जैसा अनुमान है कि लगभग 2 महीने के अंदर के आसपास ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस गति से लोक सेवा आयोग काम कर रहा है उस गति से लगता है कि 2-3 महीने में इसकी परीक्षा हो जाएगी। आपके पास बहुत सारा समय नहीं है, और इस बार का जो पेपर हुआ पीसीएस 2019 का, मानकर चलिए कि लमसम पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो वही रहेगा, बहुत सरल पेपर आने की संभावना, जैसे 18 और 17 का पीसीएस का प्री आया था। लोक सेवा आयोग के देखिए पेपरों में यदि आप कभी यदि लोअर दिए हों, जो एस्पायरेंट्स ने कभी अपर के साथ, अब तो लोअर नहीं हो रहा है 1-2 साल से, तो आप देखते थे कि लोअर का जो पेपर होता था उसका भी स्टैंडर्ड लगभग लगभग वही होता था जो अपर का होता था। तो लोक सेवा आयोग ऐसा नहीं है कि परीक्षा छोटी है तो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड, जो एग्ज़ाम का जो मतलब लेवल है वो उसको कम कर देगा। लोक सेवा आयोग जो भी परीक्षा लेता है लगभग लगभग पेपर का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है और वही रहता है। तो भले ही ये जो परीक्षा है ये बीईओ और के पद के लिए हो रही है, और वेतनमान भी जो है वो 9300 से 34800 का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो, मुझे लगता है, और मैं आपको बहुत स्पष्ट सलाह दूंगा कि जो पीसीएस 2019 का जो प्री परीक्षा हुई है उस पेपर को अपने सामने रखिए, उसे सॉल्व करिए। यदि आपने दिया है उस एग्ज़ाम को तो और बेहतर जानते होंगे कि उसका मतलब स्टैंडर्ड क्या था, लगभग वही स्टैंडर्ड आपको मेंटेन रखना है, तब जाके आपको प्री क्वालिफाई आपका होगा। तो अब कमर कस लीजिए, और एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा, एक जो मैं अक्सर करके सुनाता हूँ कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, शब्दों को गौर करिएगा। मैं इस जब मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था इसी परीक्षा से संबंधित, तब भी ये मैंने आपको ये बात समझाई थी, आज मैं फिर इसी बात को समझा रहा हूँ कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर चलते चलते जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं हो कुछ भी पर हार मानूंगा नहीं। लेकिन तमाम एस्पायरेंट जो हैं उस परीक्षा को देने के बाद, इस पेपर को देने के बाद, मैंने देखा कि वो थोड़े से हारे हुए हैं। दोस्तों मैं ज़रूर कहूंगा आपसे कि क्या आप जो कहा ना वरदान मांगूंगा नहीं, तो क्या आप वरदान चाहते हैं क्या? मैं हमेशा कहता हूँ आप सिविल सर्विस की तैयारी करने आए हैं, ये फूलों की सेज नहीं है, समझ रहे ना, यहाँ कांटों भरे रास्ते हैं। आपको कई बार लहूलुहान होना पड़ेगा, कई बार आपके बड़े अनएक्सपेक्टेड जो है वो आपके साथ घटनाएं होंगी। आप बहुत खुश हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अचानक जो है वो पेपर का स्टैंडर्ड या पेपर कई बार बड़ा चौंकाता है। जनरली आपने देखा होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से लगभग 50 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन लगभग
करंट अफेयर के तो लगभग आधा पेपर ये तीनों ही चीज़ें निपटा लेती हैं, लेकिन इस बार पेपर ने एकदम सबको चौंका दिया। तो ये चौंकाना जो है ये लोक सेवा आयोग की एक विशेषता है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ने इस बार जिस तरह से पेपर में सबको चौंकाया है तो इस चीज़ के लिए आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। ओके, कब क्या ज़्यादा आ जाए, कब क्या चीज़ पूछ ले, कई बार तो यही नहीं पता चलता कि पूछा क्या गया है, मतलब ज़्यादा क्या पूछा गया है। कभी कभी क्या होता है पर्यावरण ज़्यादा पूछ लिया, कभी एग्रीकल्चर बहुत पूछ लिया, कभी साइंस बहुत पूछ ली, कभी हिस्ट्री बहुत पूछ ली, कभी ज्योग्राफी बहुत पूछ ली। तो ये तो लोक सेवा आयोग के पेपरों की विशेषताएँ हैं, आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप ही को बदल सकते हैं, किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ मैं हमेशा कहूँगा, तो बिल्कुल भी मन को निराश करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप बीएड हैं तो आपके पास एक बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, और मैं कहूँगा कि इससे पहले तो ये परीक्षा कभी हुई नहीं, पहली बार ये परीक्षा हो रही है। और जब कोई परीक्षा पहली बार होती है तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है उन लोगों के लिए जो बहुत कम समय में अपने आप को ढाल ले जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस परीक्षा को क्वालिफाई करने की। मेरी शुभकामनाएँ हमेशा आपके साथ हैं, और आप यदि इसके बावजूद भी कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी आशा और शुभकामना के साथ कि आप अपने सपनों को एक दिन पूरा करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए कामयाबी कैसे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले।